दोस्तों ये देखो, ये ना ऐसी पोजीशन रखनी है, ठीक है, ब्लेड की। और ये देखो, ये देखो दोस्तों, इसके टायर भी ट्रैक्टर। हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल है दोस्तों। सबसे पहले तो सभी भाइयों को मैं स्वागत करता हूँ, ठीक है। बात ज़्यादा लंबी लेकर नहीं जाएंगे, तो सीधे आते हैं काम की बात पर। क्या टॉपिक आज हमारा दोस्तों? आज मैं थोड़ी मिक्सिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मिक्सिंग के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वो सिर्फ किसी को आइडिया देना था कैसे मिक्सिंग करते हैं। आज मैं प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बेड बनाया था, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, कुछ साइड तो बिल्कुल सही रही, कुछ साइड नीचे से ना ड्राई निकल गई। जब वो लैब वाले टेस्ट करने के लिए आए तो नीचे बिल्कुल सूखा रेत निकला, सूखी मिट्टी निकली। उसका कारण है क्योंकि कुछ साइड हाइट थी, वो काट के ना डाउन जगह में डाली थी, ठीक है। वो डाउन में डालने के कारण क्या है, जो हमने काटा था ना, वो ऊपर ऊपर से सूखा मटेरियल था, पूरा बिल्कुल ड्राई मटेरियल, वो नीचे फिल कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर डंपिंग कर दी, डंपिंग करने के बाद पानी पूरी डाल के उसके ऊपर ग्रेडर मार के रोलिंग कर दी। जब टेस्टिंग किया तो नीचे वो जो सूखी मिट्टी थी वो सूखी रही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अभी मैं बकायदा स्कैरीफाई करके बेड में रीपर मार के पानी डाल के मिक्सिंग कर रहे हैं, तो आपको मैं सही तरीके से प्रॉपर बताऊंगा मिक्सिंग कैसे करनी है। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों ये देखो, ये मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इस साइड देख रहे हैं आप, देख सकते हैं, ये स्कैरीफाई करके रीपर मारने के बाद यहाँ पर वाटर टैंकर से पानी डाला हुआ है। तो इस साइड से मैंने मिक्सिंग शुरू की है, जिस साइड वो किनारी पे आपको मेड सी दिखाई दे रही है, यहाँ से मैंने कटिंग करके ना, पहले कटिंग करके ना एक ब्लेड की जगह बनाई, दो तीन बार मुझे काटना पड़ा, इस साइड को पूरा मटेरियल लिया, ठीक है। क्योंकि उस साइड तो डालेंगे नहीं मटेरियल, वो साइड तो ओके है जिस साइड रोलर चल रहे हैं, तो इस साइड को पूरा मटेरियल लिया। तो ग्रेडर चलने की फिर मैंने जगह बनाई, फिर मैंने इस साइड से, जैसे ये ब्लेड की अभी पड़ा है, जैसे ब्लेड रखा हुआ है, इस पोजीशन में ब्लेड रख के मैंने कटिंग करनी शुरू की है, ठीक है। ये कम से कम भी 40-40 सेंटी, 50-50 सेंटी का कट लगा के मैं काट रहा हूँ। और जो नीचे बेड है ना, उसके ऊपर से माल पूरा ऊपर का, जो बाद में ये वैक फिलिंग की है ना, ये वाली, ये स्कैरीफायर किया है, जो नीचे बेड बना हुआ है उसके ऊपर से पूरा माल ना क्लियर करके लेके काट के इस साइड मेन मेड बना रहा हूँ। ये देखो, ये मेड बन रही है, ये मिक्स हो रहा माल इस साइड, ठीक है। और एक और बात, जब ऐसे मेड बन जाती है ना, तीन चार मेड बन जाए एक ब्लेड के, एक जिसे एक ब्लेड से हम कवर कर लें, तो इसको साथ साथ में ना क्लोज करते जाना है, क्योंकि इसको लगातार ऐसे नहीं छोड़ना। अगर इसको लगातार ऐसे छोड़ोगे, जैसे धूप पड़ रही है ऊपर से, तो इससे क्या होगा, इसकी ये ड्राई हो जाएगा, इसमें मॉइस्चर है जो उड़ जाएगा धूप से, ये बेड सूख जाएगा। तो इसको साथ साथ में क्लोज भी करना है, जैसे तीन चार ब्लेड मार लिए, तीन चार मेड बन गई, उसके बाद इसको क्लोज कर दो। जैसे वो देखो सामने, वो मैंने साथ साथ में क्लोज किया है। चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखो, ये ना ऐसी पोजीशन रखनी है, ठीक है, ब्लेड की। और ये देखो, ठीक है, ब्लेड का एंगल इतना रखना, क्योंकि जो हमारा जो मिक्सिंग वाला मटेरियल कट के ना टायरों से बाहर चला जाए, ये देखो इतना रखना, टायर उसके ऊपर ना जाए, बस ज्यादा नहीं रखना एंगल, इसको ज्यादा रखोगे तो टायर भी ऊपर चढ़ेंगे, इतना रखना बस, टायर हमारे क्लियर होके चले, बाकी ज्यादा स्ट्रेट नहीं रखना, स्ट्रेट पे आप मिक्सिंग नहीं कर सकते। ये देखो रोटेट हो रहा है पूरा मटेरियल, ठीक है, ऐसे रोटेट होना चाहिए। और जब हम लास्ट में ब्लेड छोड़ेंगे ना, तो मटेरियल स्टोर नहीं होना चाहिए आगे जाकर, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है जब स्टोर होगा। बस इतना करना, मटेरियल एक साइड से ब्लेड काटे और दूसरी साइड निकाल दे, बस इतना करना। और बाकी मॉइस्चर के हिसाब से एक बार मिक्स करो, दो बार मिक्स करो, बस ज़्यादा से ज़्यादा दो बार मिक्स करना पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं करना पड़ता। ये देखो दोस्तों, ये जो मैंने मिक्सिंग करके माल एक साइड को किया है ना, उसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। ये साथ साथ में क्लोज करना जरूरी, क्योंकि धूप पड़ेगी तो सूख जाएगा, इसका मॉइस्चर पूरा उड़ जाएगा, तो साथ साथ में क्लोज करते रहना, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो ये देखो मिक्सिंग मैंने कर दी है पूरी वहाँ तक, अभी मैं इस साइड से फिनिशिंग मार रहा हूँ,
ठीक है, रोलिंग भी शुरू हो गई है, इतनी फिनिशिंग मारी है उसके ऊपर। और डबल ब्लेड लेके मैं फिनिशिंग मार रहा हूँ क्योंकि बेल्ट लूज है थोड़ा, और थोड़ा अप डाउन भी है, ठीक है, सेंटर में थोड़ी हाइट भी है वहाँ पर, ठीक है। तो डबल ब्लेड लेके ना उधर से फिर मैं दूसरी तरफ से मैं फिनिशिंग मारते आ रहा हूँ, इधर से मैं सिंगल ब्लेड लेके जा रहा हूँ और दूसरी तरफ से मैं घूम के फिनिशिंग मारते आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो ये देखो सुबह जहाँ मिक्सिंग कर रहा था, अभी मिक्सिंग करके क्लास कर दिया है। अभी एक एक रब ब्लेड लिया साथ साथ में, एक एक ब्लेड हल्का हल्का फिनिशिंग लिया, तो इसको कर दिया कंप्लीट, ठीक है। अभी हो रही है रोलिंग, वो देखो रोलर, ये रोलर दूसरा है, इसके ड्रम के ऊपर गुटके से लगे होते हैं, वाइब्रेशन बहुत हैवी है इसकी, ठीक है, बूम मेक का रोलर है वो। ये देखो दोस्तों, इसके टायर भी ट्रैक्टर गुड्डी वाले हैं पीछे के इस रोलर के, ये देखो, ठीक है। और आगे जो ड्रम है बहुत हैवी है ड्रम, रोलर भी बहुत हैवी है, ये बूम मेक का रोलर है, इसके आगे गुटके से लगे हैं, उसके साथ कंपैक्शन करते हैं। अपना काम हो गया खलास, ये मैंने तकरीबन 4 घंटे में कंप्लीट कर दिया, 4 घंटे से भी पहले कर दिया, 9 बजे लगा था मैं, नहीं 4 घंटे लगे होंगे, 8 बजे लगा था मैं। ये जेसीबी का रोलर, ये नॉर्मल है जैसे होते ही है प्लेन ड्रम वाले। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों बताना कैसा लगा काम, अगर किसी भाई ने ये मिक्सिंग वाला काम किया है या कोई विदेश में रहता हो तो बताना कमेंट करके। अगर किसी को इसे जो मैंने अभी थोड़ा काम करके दिखाया मिक्सिंग का, ठीक है, अगर इंडिया में कोई इस टाइम कर रहा हो तो भी बताना, अगर ये काम पहली बार कर रहे हो तो भी बताना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।